आज मैं आप लोगों के लिए केला की कढ़ी की रेसिपी लेके आया हूँ। इसे बनाना बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, तो चलिए फिर इसे बना लेते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने कच्चे केले को दो सीटी लगा के उबाल लिया है, दो भाग में करके। आप देख सकते हो ये उबला हुआ केला है, इसका छिलका हम उतार लेंगे। आप यहाँ देखेंगे कि सारे केले को हमने अच्छे तरीके से छील लिया है। अब हम इसको हाथों से रफली तोड़ लेंगे, तो चलिए फिर इसे हाथों से इस तरह से तोड़ लेते हैं। आप लोग इस केले की कढ़ी को रोटी के साथ बना के खाइए, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है और साथ में झटपट से बन जाती है। कम से कम तेल मसालों में बन के तैयार हो जाती है। उबले हुए केले को हमने तोड़ लिया अच्छे तरीके से, आप यहाँ देख सकते हो। इधर हमने गैस पे पैन चढ़ा दिया है, पैन में डालेंगे तेल दो चम्मच, साथ में ऐड करेंगे एक तेज़पत्ता। तेज़पत्ता डालने के साथ ऐड करेंगे इसमें हम आधा छोटा चम्मच जीरा। जीरा के साथ ऐड करेंगे एक सूखा लाल मिर्च। इन सभी चीज़ों को हल्का पकने देंगे। जब ये पक जाएगा तब हम इसमें एक प्याज कटा हुआ ऐड कर देंगे। तो चलिए फिर इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं और इसको हल्का पकने देते हैं। कच्चा केला हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, इसके बहुत ही सारे गुण हैं। तो चलिए फिर अब हम इधर प्याज को अच्छे तरीके से गोल्डन कलर होने तक भून लेते हैं। आप यहाँ देखेंगे कि प्याज का कलर चेंज हो चुका है। अब हम इसमें एक चम्मच लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे, साथ ऐड करेंगे इसमें आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। इन दोनों चीज़ों को डाल के अच्छे तरीके से मिक्स करके चला लेंगे। तो आप यहाँ देखेंगे कि हमने इन सभी चीज़ों को मिक्स कर लिया है। इसमें एक से दो चम्मच पानी ऐड कर देंगे और इसको मिलाते हुए भूनेंगे। तो आप यहाँ देखेंगे कि मसाला अब अच्छे तरीके से भून के रेडी हो चुका है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे दो हरी मिर्च, बीच से चीरा लगा हुआ। आप देख सकते हो हरी मिर्च हमने ऐड कर दिया है। हरी मिर्च डाल के इसको मिलाते हुए चलाएंगे। चलिए अब हम इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर देते हैं। नमक डाल के इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड कर देंगे मैश किया हुआ केला। आप देख सकते हो केला हमने ऐड कर दिया है। इसको अच्छे तरीके से मिलाते हुए चला लेंगे। अब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। तो चलिए फिर आप देख सकते हो हम इसमें पानी ऐड कर चुके हैं। पानी डाल के इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसको ढक के मीडियम फ्लेम पे 5 मिनट के लिए पकने देंगे। एक केले की कढ़ी झटपट से बनके तैयार हो जाती है। तो आप यहाँ देखेंगे कि मैंने इसको ढक दिया है। अब इसको 5 मिनट के लिए पकने देंगे। 5 मिनट हो चुका है। 5 मिनट के बाद हमने इसका ढक्कन हटा दिया है और इसको अच्छे तरीके से फिर से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हो अब ये केले की कढ़ी बनके तैयार है खाने के लिए। अब हम गैस के फ्लेम को कर देंगे बंद। इसमें हम 1 से 1.5 चम्मच नींबू का रस ऐड कर देंगे। आप यहाँ देखेंगे कि हमने नींबू का रस ऐड कर दिया है। अब हम इस कढ़ी में छौंक लगा लेंगे। इधर गैस पे मैंने तड़का पैन चढ़ा दिया है, उसमें डालेंगे 1 चम्मच घी। घी को हल्का गर्म होने देंगे। अब हम इसमें आधा छोटा चम्मच जीरा ऐड कर देंगे। तो आप यहाँ देखेंगे कि हमने इसमें आधा छोटा चम्मच जीरा ऐड कर दिया है। जीरा को हल्का पकने देंगे। जब ये पक जाएगा तब हम गैस के फ्लेम को कर देंगे बंद। आप यहाँ देखेंगे कि ये अच्छे तरीके से पक चुका है। अब हम इससे छौंक लगा देते हैं। केले की कढ़ी बनके तैयार है खाने के लिए। आप लोग इस रेसिपी को बनाइए और खाइए। अगर आप लोगों को रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।